वाराणसी में 10 साल बाद दोबारा अनारक्षित हुई वाराणसी महापौर की सीट 2012 में की गई थी आरक्षित। योगी सरकार ने पेश किया 33,769 करोड़ का अनुपूरक बजट, नई योजनाओं पर खर्च होंगे 14,000 करोड़। रामपुर में अब्दुल्ला की एसपी से हुई नोकझोंक, बोले खास वर्ग के मतदाताओं को बूथ पर जाने से रोक रही पुलिस। मेरठ में यूट्यूब से हथियार बनाना सीखा, खड़ी कर डाली तमंचे की फैक्ट्री, निकाय चुनाव में खपाने की थी तैयारी। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज। उपचुनाव में छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर 64.86% मतदान हुआ। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी की जमानत याचिका पर 13 दिसंबर को होगी सुनवाई। माओइस्ट सेंटर के बार बार रंग बदलने से नेपाल में गहराया सियासी अनिश्चय। प्रकाश राज ने पीएम मोदी के कपड़ों पर की टिप्पणी, यूजर्स ने जमकर लगाई एक्टर की क्लास। विजय सेतुपति की फिल्म के सेट पर हुआ हादसा, 20 फुट की ऊंचाई से गिरकर स्टंट मैन की मौत। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।